नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हमेशा से लोगों की फेवरेट लिस्ट में शुमार हैं। अक्सर दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होती रहती हैं। इस बीच दोनों की एक साथ तस्वीर सामने आई है, जिसमें दोनों को एक साथ हिंदुजा अस्पताल के बाहर देखा गया। इसके बाद से दीपिका के प्रेग्नेंट होने की अफवाहें इंटरनेट पर जोरों से चल रही हैं और उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। हालांकि अब तक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अस्पताल जाने के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है और ना ही रणवीर ने दीपिका की प्रेग्नेंट होने की खबर को लेकर कोई बयान दिया है। रणवीर दीपिका की हिंदुजा अस्पताल के बाहर की तस्वीर को देखकर फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या दीपिका प्रेग्नेंट हैं। फैंस सेलिब्रिटी कपल से अच्छी खबर सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फैंस कमेंट्स कर उन पर प्यार लुटाने लगे और कई फैंस तो बधाइयां भी दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबरें सुर्खियों में हैं। साल 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही दीपिका पादुकोण की मेट गाला 2019 की पार्टी के बाद पहली तस्वीरें सामने आई थीं, उसके तुरंत बाद उनकी प्रेगनेंसी के कयास लगाए जाने लगे थे। बता दें कि रणवीर और दीपिका ने 14 नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में डेस्टिनेशन मैरिज की थी। इसमें उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल थे। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट कर चुके थे। फिलहाल इस खबर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।